रणधीर वर्मा चौक पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन भाजपा द्वारा किया। झारखंड में सरकार बने हुए कई महीने हो गए, अब तक बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता नहीं दी गई, जबकि झारखंड विकास मोर्चा का विलय भाजपा में हो गया है। झारखंड चुनाव आयोग द्वारा मान्यता मिल जाने व भाजपा विधायक दल के नेता के रूप में बाबूलाल मरांडी को बनाया गया है, फिर भी झारखंड की हेमंत सरकार बाबूलाल मरांडी को अब तक नेता प्रतिपक्ष का रूप नहीं दे रही है। भाजपा ने हेमंत सरकार से मांग की बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष घोषित किया जाए, अन्यथा आगे सरकार के खिलाफ हम कड़ा विरोध करेंगे। खबर 365 न्यूज के लिए धनबाद से अकरम रजा की रिपोर्ट। पिछले दिनों झारखंड विकास मोर्चा का विलय भारतीय जनता पार्टी के अंदर हुआ, चुनाव आयोग ने भी इस बात को मान्यता दी। विधायक दल के नेता के रूप में झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री श्रीमान बाबूलाल मरांडी जी को भारतीय जनता पार्टी ने चुना, लेकिन उसके बावजूद भी विधानसभा में सरकार के इशारे पर विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी को नेता प्रतिपक्ष का दर्जा अभी तक नहीं देने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी ने इसे काफी गंभीरता पूर्वक लिया है और आज से हम लोग मुख्यमंत्री श्रीमान हेमंत सोरेन जी का पुतला दहन करने का काम किया है। पुतला दहन करने का जो मूल उद्देश्य है कि आप सभी जानते हैं कि झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री श्रीमान बाबूलाल मरांडी जी की पार्टी झारखंड विकास मोर्चा का विलय भारतीय जनता पार्टी में हुआ और इस विलय को केंद्रीय चुनाव आयोग ने भी मान्यता देने का काम किया। इसके बाद विधायकों की बैठक हुई और आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता चुने गए। विधानसभा के अध्यक्ष को विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष के रूप में श्री बाबूलाल मरांडी जी का नाम घोषित किया गया, लेकिन आज तक झारखंड सरकार ने झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष ने सरकार के इशारे हेमंत सोरेन जी के इशारे पर उन्हें नेता प्रतिपक्ष का दर्जा देने का काम किया। यह संविधान की उपेक्षा है, संविधान का उल्लंघन है और खुलेआम सरकार की दादागिरी है, मनमर्जी है, जिसे कि भारतीय जनता पार्टी ने काफी गंभीरता से लिया और आज हम सरकार को चेतावनी देने के पुतला दहन के माध्यम से सड़कों पर उतरने का काम किए हैं। आने वाले दिनों में अगर सरकार इसी प्रकार के कारनामे करने में मशगूल होगी तो भारतीय जनता पार्टी और भी उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी।